तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी अभी मेरा निजी पक्ष नहीं है, क्योंकि जो परसों की घटना है उस पे मैं अपने चुनाव ड्यूटी में एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा था, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे रोड को रोका गया था और मतदान का थोड़ा बहिष्कार चल रहा था। तो क्योंकि मैं अपनी प्रशासनिक ड्यूटीज पे था और चुनाव आयोग के और जो माननीय मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो उनके ऑन रिकॉर्ड जो हमारी सरकारी ड्यूटी होती है, हम उसी की पूर्ति वहां पे करते हैं। तो निजी तो इसमें कोई किसी प्रकार के मेरे विचार हो ही नहीं सकते, तो हमने वहां पे अपनी एक राजकीय कर्तव्य की पूर्ति। इमीडिएट जो अरेस्ट करने की जो एक जो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेश जी इसमें खुद एक चुनाव लड़ रहे थे वहीं से, तो एक ये एक सामान्य प्रशासनिक एक व्यवस्था है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें एक उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना जो पूरा जो पोल का जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना उनको एक फेयर चांस मिले। तो जहां तक जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें यही एक कोशिश रही कि वो 6 बजे जब चुनाव पूरा खत्म हो जाए। और एक दूसरी समस्या ये भी रहती है कि क्योंकि प्रशासन का जो मेन और जो हमारे पूरी मशीनरी का जो मेन उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं केवल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि आपने देखा कि जो भी उसमें जो न्यायिक कार्यवाही है वो तो उसके बाद भी जस्ट हुई, लेकिन एक सब पहला प्रयास प्रशासन का ये था कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जो कि आपने देखा कि एक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लोगों का कहना है कि डीएम या एसपी आ जाए, हम उनको ज्ञापन दे देते, बात खत्म हो जाती। तो प्रशासन स्तर पर इस पर चर्चा नहीं की गई कि कम से कम आ ही जाते तो ये विवाद ना उठता। अभी हमारे जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उन्होंने भी एक ये बात को रखा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि विधानसभा में करीबन 300 वोट होते हैं, और ये बात कहीं से भी आ सकती है कि वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट साहब और एसपी साहब वहाँ पहुंचे, तो ये संभव भी नहीं हो पाता है कि क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें लगभग हम 10 आरएस अधिकारी उस विधानसभा में काम कर रहे हैं, जिसमें 7 एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, इसके अलावा आरओ एआरओ और पूरी जिला मशीनरी उसमें, तो वो हमारे जो कलेक्टर मैडम है उन्हीं के निर्देशन में ही वहाँ पे काम होता है, तो उनकी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो व्यक्तिगत उनकी। और चुनाव के दिन तो क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और बहुत सारी सूचनाएं माननीय आयोग को भी भेजनी होती है, तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब की एक भूमिका रहती है, शायद ये रीजन रहा। आपने खुद FIR लॉन्च कराई है? बिल्कुल, क्योंकि घटना मेरे साथ सीधे ही हुई है और आपने वीडियो में बिल्कुल क्लियरली देखा ही है, तो मैंने बिल्कुल मेरे जो जो पक्ष था और जो एक्चुअल जो पूरे दिन की घटनाएं थी उनके बारे में FIR आपके सामने आ भी गई है। सर, एक आरोप लगा रहे नरेश मीणा की आपके द्वारा फर्जी वोट वहां डलवाए जा रहे थे और आपको थप्पड़ मारा, तो इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने सही थप्पड़ मारा है। हाँ, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, और अगर कोई भी क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है, लेकिन मैं अपने एज ए एसटीएम एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था, और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने अपने बैल बैल जो समझदार लोग थे सब अपने वोट का इस्तेमाल उन्होंने किया। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट दिया, ये तो संभव ही नहीं। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ बात आप कोई बात को प्रूव करो भाई, आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है। मैं उसमें विक्टिम अपने आप को मानता ही नहीं, क्योंकि मैं अपना प्रशासनिक कार्य कर रहा था और उसमें विक्टिम होने जैसी बात है ही नहीं। जो भी वो एक आपराधिक गतिविधि हुई वो केवल आप उसको केवल मेरे साथ हुई ऐसा नहीं, मेरी जगह कोई भी SDM या कोई भी वहाँ पे अधिकारी होता उसके साथ भी वो घटना हो सकती है, इसमें विक्टिम वाली कोई बात नहीं। आप मांग करते हैं कि पुलिस से की कड़ी कार्रवाई करे, किस तरह की कार्रवाई हो? नहीं, आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छी कार्रवाई हो रही है, लगातार उसको जो संबंधित है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी 100%। कानून का तो यही रहता है कि भाई वो पूरी तरीके से उसके कार्रवाई। मामला आपसे जुड़ा हुआ है, पूरा टोंक जल रहा है, पूरा देवली जल रहा है, उनियारा जल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उनको आप? मैं तो सौहार्द, क्योंकि अभी हमारे जो आपने सुना भी होगा कि जो अभी वो एक दिन की जो घटना थी उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जो हिंसा की घटनाएं अभी नहीं हुई और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा टॉक एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और ये जो घटना भी जिन लोगों के द्वारा की गई थी वो ज्यादातर बाहरी लोग थे जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा और उनपे नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। इसमें ये तो एसोसिएशन की इन हाउस मीटिंग थी, वो तो एक चर्चा का पार्ट है जो माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय राड़ी जी उन्होंने आपको बताई दी, बाकी जो डिसीजन है वो भी अध्यक्ष साहब के द्वारा ही किया जाना है। चर्चा के बाद कर्मचारी और अधिकारी संगठन वो भी इस बार एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल उनमें पूरा पूरा।
एक सर ये लोकल असेसमेंट इस बात का हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि आप SDM हैं और चूंकि धरना के बाद बड़ी तादाद में लोग वहां पर आया था, क्या इंटेलिजेंस एज्यूम नहीं कर पाई थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम होगा? दूसरी बात, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो फिल्मी स्टाइल में एक बंदा आता है बुलेट से और वहां पर फिर उसी मंच से ललकारता और कहता है कि जो किया सही किया, तो इसमें प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं माना जा रहा है? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे जो दायरे से बाहर की बात है और एक बहुत ही अच्छा जो भी हमसे पुलिस और प्रशासन से जो उस स्थिति में जो बेस्ट बन पाया था वो किया भी है और आपने देखा भी है।